अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा शंघाई में एक जो इकलौती पहाड़ी है उसका व्यू। इसे शेशान पार्क भी कहते हैं, शेशान पहाड़ी भी कहते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, हाइकिंग के लिए बनाई हुई हैं, लेकिन बस ब्रांड नाम ही हाइकिंग है। तो आप लोगों को दिखाऊँगा कि ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये पूरे पार्क का मैप है, शेशान पार्क का मैप बना हुआ है। हम लोग यहाँ से अभी एंटर हुए हैं और यहाँ से होके ये पूरा करके और यहाँ से होके इस गेट से एग्ज़िट मारेंगे और या तो फिर दोबारा हम इसी से ट्रैक से होके वापस सिजमी स्टेशन से होके और वापस फिर इसी गेट से एग्ज़िट करेंगे। लेट्स गो। ये जो स्ट्रक्चर है, हेड स्ट्रक्चर टाइप का बना हुआ है, ये पुराना स्ट्रक्चर है। यहाँ पे शंघाई के पुराने घर, चाइना में ज़्यादातर ऐसे घर पुराने मतलब स्ट्रक्चर के बने होते थे, और ये कोई पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग लग रही है। अच्छा, ये शेशान पहाड़ी का टॉप है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यू नज़र आ रहा है। एक पहाड़ी वो उस तरफ जो नज़र आ रही है वो है, और नीचे जो ट्रेडिशनल इनके घर हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये व्यू शंघाई के अंदर रहते हुए भी ये व्यू देखना एक बहुत बड़ी बात है। ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह। ये यहाँ पे इस पहाड़ी के टॉप पे एक कैथोलिक चर्च भी बना हुआ है, लेकिन अभी बंद है क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से भी लॉकडाउन, आज पहला दिन है लॉकडाउन ख़त्म हुए का। शॉर्टकट रास्ता है बिल्कुल, वो नीचे जो जाना है ना, अगर मैं प्रॉपर तरीके से जाऊँ, प्रॉपर रास्ते से जाऊँ, तो ये पूरा यूँ सर्कल है, तीन चार सर्कल हैं, वो काट के जाना पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्टकट सा रास्ता है तो यही अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो टॉप था इस फॉरेस्ट का, वहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, और नीचे आने के लिए एक सेपरेट रास्ता है, मतलब सेपरेट इस तरह बनाया हुआ है कि ऊपर जाने के लिए सेपरेट है और वापसी नीचे के लिए ये इस तरह, ये वुडन वुडन स्ट्रीट टाइप से ये बना हुआ है। तो इसी को फॉलो करते करते हम जा रहे हैं वापसी पे, और जिस गेट से एंट्रेंस की थी उसी गेट से एग्ज़िट है, क्योंकि सारे गेट ओपन नहीं है, सिर्फ एक गेट ओपन है। तो लेट्स गो। अभी ऑलमोस्ट दिन के 2 बजे हैं और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शाम हो गई है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, 25 डिग्रीज। और यहाँ पे ये बिल्डिंग सी नज़र आई, मैंने कहा कि कोई वाकई में कोई हिस्टोरिक पॉइंट होगा, लेकिन बाद में पता चला ये वाशरूम है, वो जिस तरह वो लेडीज़ साइन बना, लेडीज़ वाशरूम हो रही, तो इन्होंने इसको वाशरूम को भी हिस्टोरिक बना लिया। वाह भी वाह। अभी घना जंगल सा पीछे ख़त्म हो गया है, अभी थोड़ा सा लाइट्स है, क्लियर वेद, थोड़ा सा आसमान नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी बादल हुए पड़े, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है।